हाई एवरी वन माई नेम इज़ तमना चौधरी वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आई एम अ फिजिक्स एक्सपर्ट ऑन आन अकाडमी फॉर नीट यू जी और जो भी बच्चे नी ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो मिनी बूस्टर सेशन है ये एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एटी टॉपिक्स ऑफ योर फिजिक्स सिलेबस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दो तरीके से इंपॉर्टेंट है इसके अंदर एक तो मैग्निफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं जो रे ऑप्टिक्स का पार्ट है और एक इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं रिजोल्विंग पावर के ऊपर जो वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है तो ये जो पोर्शन है विच इज रिलेटेड टू दि मैग्नीफिकेशन एंड री ऑप्टिक्स उसको हम लोग ये वाली क्लास इस छोटी सी मिने बूस्टर सेशन में निपटाने वाले हैं और जो सेगमेंट लाइक करता है वेव ऑप्टिक्स में विच इजो विच इज रिलेटेड टू द रिजोल्विंग पावर उसके ऊपर वीडियो तुम्हें तुम्हें मिल जाएगी पांच या साढ़े बजे के

तो बच्चों तुम्हारा ज्यादा टाइम लिए बना मैं इस सेशन को शुरू करना चाहूंगी बस इतनी अपडेट देनी है कि कोई भी बच्चा अगर फिजिक्स के फुल मॉक टेस्ट देना चाहते है तो मैं अन अकेडमी की फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मंडे और थर्सडे को मॉक्स टीसी कराती हूँ शाम के छह बजे तो अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गिविंग दीज फुल मॉक्स विच यू शुड बी गिविन दी नंबर ऑफ डेज विच आर लेफ्ट बिफोर योर एग्जाम कंडक्शन सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहुंचो वहां पर सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ आते

इस तरीके से कुछ भी रेलेवेंट मिस ना हो लेकिन ये भी ध्यान रखते हुए कि बीस दिन में तुम्हारा पेपर है अगर सबसे पहले मैं सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करूं तो सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस है जो एक मैग्निफाइड इमेज बनाएगा मैग्नेफाइड का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली में छोटे साइज का है लेकिन जो इमेज बन रही है वो बड़े साइज की बन रही है अब अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो ये बिल्कुल कॉन्केव मिरर जैसा है अगर इसके आगे तुम लोग रियल ऑब्जेक्ट रख देते हो तो रियल ऑब्जेक्ट के ये रियल मैग्नेफाइड इमेज भी बना सकता है वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज भी बना सकता है तो आई कैन से दैट इफ आई टेक दी टू एक्सट्रीमिटीज तो जो मेरा ये जो

नहीं चाहिए लेकिन यहां पर जो इमेज है हमारी इन फ्रंट ऑफ लेंस प्रोड्यूस हो रही है दैट इज इट

लगाई 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u तो मेरे पास मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का ये आ गया इससे ज़्यादा डेरिवेशन में जाने का हमारे पास टाइम नहीं है तो हम लोग फोकस करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर सो दिस इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ़ द सिंपल माइक्रोस्कोप अब बात ये है बच्चों हर एक माइक्रोस्कोप के लिए एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा और एक मिनिमम मैग्निफिकेशन होगा ठीक है अगर मैं बात करूं मिनिमम मैग्निफिकेशन की इट इज गोइंग टू बी जब तुम ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखते हो और इमेज हमारी इन्फिनिटी के ऊपर बनती है जैसे कि ये मेरे पास मेन इक्वेशन है फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप अगर मान लो मैं बोल रही हूँ कि इमेज ये इन्फिनिटी के ऊपर बना रहे ये वाली वैल्यू इन्फाइट होगी ये वाली वैल्यू जीरो होगी मैग्निफिकेशन बनाइए विच इज द मिनिमम मैग्निफिकेशन जो एक सिंपल माइक्रोस्कोप शो कर सकता है उसी तरीके से

बिफोर वी डू सम क्वेश्चन ऑन सिंपल माइक्रोस्कोप एक बार इसी के ऊपर बेस्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कर लेते हैं फिर हम एक कलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे छह सात क्वेश्चन हम सॉल्व uh, कर लेंगे सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर ठीक है अब सबसे पहले ये आता है कि हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी मेरे पास यहां पर सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस है इज लेंस लेंस तो अभी एक है, जादा से ज्यादा ज्यादा कितनी मैग्निफिकेशन शो कर देगा तुम खुद सोचो तो अगर मानो अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन नौ चाहिए या नौ से कम चाहिए तब तो ठीक है सिंपल माइक्रोस्कोप काम आ जाएगा लेकिन मान लो अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन नौ से ज्यादा चाहिए तो ये वाले केस में सिर्फ एक लेंस से काम नहीं चलेगा तुम्हें दो लेंस लेके आने पड़ेंगे जहां पर हर लेंस जिम्मेदारी ले कि हम कुछ अमाउंट से मैग्निफाई करेंगे जैसे कि मान लो अगर इसने दो के फैक्टर से मैग्निफाई किया इसने दस के फैक्टर

इन दोनों के कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन रहा है वो कितनी मैग्निफिकेशन दे रहा है तो बिल्कुल इसी को ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है इसी को आई लेंस बोला जाता है नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट ये याद रखना कि ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा एक रियल इन्वर्टेड और मैग्निफाइड इमेज बनाएगा मतलब ये जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है एक इमेज बनाएगा विच इज अ प्रेजेंट बिहाइंड द लेंस ठीक है सो दैट इज ओनली पॉसिबल अगर मैं ऑब्जेक्ट को इसके फोकस और इन्फिटी के बीच में रखूंगी क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस और इन्फिनिटी के ऊपर रखती हूँ तो डेफिनेटली जो मेरे पास इमेज बनेगी इस लेंस की वजह से दैट इज गोइंग टू बी रियल एंड इनवर्टेड इन नेचर तो मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया और तुम देख पा रहे हो मैग्निफाइड इमेज यहाँ पर बन गई अब इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो इसके इसकी वजह से जो इमेज है वो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा तो अब यहाँ पर मेरे पास आई आई लेंस। आई लेंस लेंस ने देखा ओ दिस इज ऑब्जेक्ट इसको मैग्नीफाई कर देते हैं तो जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस ने एक रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनाई है आईलैंड एक वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है मतलब यहां पर जो आईलैंड का ऑब्जेक्ट है विच इज बेसिकली द इमेज बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस तो ये जो आईलैंड का ऑब्जेक्ट है वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में

ऑब्जेक्टिव लेंस रियल मैग्निफाइड इमेज बनाता है उसी तरीके से जो आई लेंस है वो वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज बनाता है इन दोनों लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप बोलते हैं अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो छोटा होता है फोकल लेंथ छोटा होता है मतलब ये ज्यादा पावर का होता है ये कम पावर का होता है तो आई कैन से पावर द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज ग्रेटर देन देन द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ठीक okay, है अब अगर मान लो मैं इसके मैग्निफिकेशन की बात करूं तो मुझे अच्छे से पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन मुझे तब मिलेगा जब मैं इसका मैग्निफिकेशन निकालूं और मैं इसका मैग्निफिकेशन निकालूं तो मानो ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्निफिकेशन के ऊपर मैं फोकस करूं तो इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इमेज है यहाँ पर तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ये इमेज डिस्टेंस हो गया ये तो मैग्निफिकेशन कितना मैग्निफिकेशन वी नॉट बायू नॉट उसी तरीके से अभी मान लो अगर मैं लेंस की बात करूं या लेंस की बात करूं तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इतना और यहाँ पर इसने इमेज बना दी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन तो तुम देखो ना ये जो आईलेंस है इट इज बिहेविंग एज अम एज सिंपल माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं सो इफ आई हैव द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड इफ आई हैव द मैग्निफिकेशन ऑफ दी आईलेंस दोनों को मल्टीप्लाई कर दू तो मेरे पास मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाता है यहाँ पर भी मेरे पास दो केसेस पॉसिबल हैं कि अगर मान लो इमेज इन्फिनटी के ऊपर बन रही हो तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी दिस इज द मिनिमम मैग्निफिकेशन पॉसिबल

दिस इज माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप अब हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमारिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि मैं तुम्हें बता पाऊं कि बहुत ईजी है इसके ऊपर क्वेश्चन बस अगर तुम्हें बेसिक जिस्ट अगर क्लियर हो जाए तो ठीक है ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है दिस इज वन ऑफ दी मोस्ट स्कोरिंग एटी टॉपिक्स तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ दी ऑब्जेक्टिव लेंस दे दिया वन सेंटीमीटर जो कि छोटा है देख पा रहे हो आई लेंस भी दे दिया फाइव सेंटीमीटर जो कि बड़ा है देख पा रहे हो अब तुम्हें बोला हुआ है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द रिलैक्स्ड आई इज 45 रिलैक्स्ड आई का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास इमेज है वो हमारी इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है तो आई कैन से मैग्निफिकेशन एट इन्फिनिटी इट इज इक्वल टू 45 तो तुमसे ये पूछा हुआ है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्यूब तो देखो अगर मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी के ऊपर फोर्टी है तो आई कैन से ना दिस इज द मैग्निफिकेशन बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाय बाय मैग्निफिकेशन व्हिच इज द आई लेंस तो अब जितना मैग्निफिकेशन आई लेंस प्रोवाइड करती है इन्फिटी के ऊपर दैट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एफ तो ये वाली वैल्यू आ गई ट्वेंटी सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई फाइव सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू पांच तो अगर मैग्निफिकेशन आई लेंस का पांच है तो इन्फिटी uh, के ऊपर फोर्टी फाइव है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का कितना आ गया नहीं नाउ द रीजन आई हैल्कुलेटेड दिस इज क्योंकि हमें ट्यूब निकालना है दैट वॉट इज गोइंग टू बी देंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप जब इमेज हमें इन्फिनेटी के ऊपर मिली है तो ध्यान से देखिएगा लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या होगा लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप होगा व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई लेंस इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मैं निकालूं और मैं प्लस कर दूं वहां से मुझे लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप मिल जाएगा अब मान लो अगर मैं स्पेशल केस लेती हूँ कि ये इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनाता है तो ये इमेज इन्फिनिटी के ऊपर तभी बनाएगा जब इसका ऑब्जेक्ट इसके फोकस के ऊपर लोकेटेड हो मतलब आई कैन से जब ये वाली लेंथ इसकी जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो एक्चुअली में उसकी फोकल लेंथ तो आई कैन से ना कि लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप होगा ये जो एक स्पेशल केस में जब इमेज हमारी इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू वॉट इज द इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंथ एंड वॉट इज द फोकल लेंथ फॉर द आई लेंस तो आई तो मैं यहाँ पर यही बोलना चाहती हूँ लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इज गोइंग टू बी वॉट इज गोइंग टू बी दी वैल्यू ऑफ v नॉट प्लस वॉट इज द वैल्यू ऑफ एफ ई अब बात ये है एफ ई की वैल्यू तो हमारे पास है ठीक है v नॉट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पर मेरे पास ये लिखूंगी v नॉट बाई u नॉट इज इक्वल टू नाइन बिकॉज मैग्निफिकेशन द ऑब्जेक्टिव लेंस इज तो अगर मेरे पास u नॉट की वैल्यू आ जाए तो आई कैन डेफिनेटली कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ वी नॉट तो वो मैं थिन लेंस फॉर्मुला से निकालूंगी वन बाई एफ नॉट इज इक्वल टू वन बाई वी नॉट माइनस वन बाई यू नॉट माइनस वन बाय यू नॉट तो मैं वी नॉट चाहिए ना

मैग्नीट्यूड निकालो प्लस कर दो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप आ गया एक बार जरा सा देखिए कि यहां पर मैंने इस तरीके से थिन लेंस फॉर्मूला लगाया ठीक है तो मेरे पास वी नॉट की वैल्यू आ गई दस सेंटीमीटर तो ये है दस सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ ऑफ द है हमारे पास पांच सेंटीमीटर तो लेंथ लेंथ ऑफ ऑफ द माइक्रोस्कोप बन गया पंद्रह सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एम वन इज द ऑब्जेक्टिव लेंस

का मैग्निट्यूड अगर मैं fe में प्लस कर दूं तो वो वाली वैल्यू मेरे पास 14 सेंटीमीटर प्रोवाइडेड है नंबर वन पॉइंट दूसरा पॉइंट ये मैग्निफिकेशन एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 25 फाइव विच इज बेसिकली वी नॉट बाई यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी बाई एफ ई इज गोइंग टू बी इक्वल टू ट्वेंटी अब यहाँ पर ये गिवन है कि इफ द द फोकल लेंथ ऑफ आइलैंड इज फाइव सेंटीमीटर तो बताओ व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस तो बेसिकली तुम्हें नॉट की वैल्यू निकालनी है तो अभी नॉट की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं या तो मेरे पास एफ नॉट की वैल्यू हो और वी नॉट की वैल्यू हो या फिर आई कैन से मेरे पास मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस हो और मेरे पास वी नॉट की वैल्यू हो तो मेरे पास दो तरीके हैं यू नॉट को निकालने के तो अब मैं देखूंगी मेरे पास क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड है ताकि मुझे ये बता जाती कि अप्रोच कैसे करना है इस क्वेश्चन को तो d बाई एफ ई की वैल्यू में ऑलरेडी मैं लिख सकती हूँ आईलैंड का फोकल लेंथ गिवन है ये वाली वैल्यू आ गई पांच देखो फोकल लेंथ ऑफ द इज फोकलैंड सेंटीमीटर d की वैल्यू है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो v नॉट बाई नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई पांच अब यहाँ पर तुम्हारे पास ये है कि v नॉट ठीक है v नॉट बाई यू नॉट इज इक्वल टू फाइव दूसरी चीज ये कि अगर मान लो ये तुम्हारे पास पांच सेंटीमीटर है तो तुम्हारे पास वी नॉट की वैल्यू भी आ गई ना वी नॉट की वैल्यू आ गई नौ सेंटीमीटर तो यू हैव वैल्यू ऑफ वी नॉट नाइन सेंटीमीटर ठीक है यू हैव द मैग्निफिकेशन बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस विच इज इक्वल टू फाइव इन दोनों को यूज करके यू नॉट का वैल्यू आ गया एक बार जरा सा देखो मैग्निफिकेशन लेंस इज फाइव तुम्हें वी नॉट की वैल्यू अभी हम लोगों ने ऊपर से निकाल ली है नौ सेंटीमीटर यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी वन पॉइंट एट सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस तुम्हारे पास 1.2 सेंटीमीटर गिवन है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस सेंटीमीटर गिवन है गौर फरमाओ कि किस तरीके से फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस का कम होता है उसकी जो मैग्निफाइंग uh, पावर होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है ऑब्जेक्ट इज पुट वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर अवे फ्रॉम्जेक्टिव की बात करूं इन प्रोपर साइन कन्वेंशन टू ने फाइनल इमेजेज फॉर्म दैट इन्फिनिटी देन वॉट इज द मैग्फाइंग पॉवर ऑफ द माइक्रोस्कोप तो जब इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनती है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप हम लोग कैसे निकालते हैं वी नॉट बाई यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी बाई एफ ई अब देखो तुम्हारे पास कौन सी चीज प्रोवाइडेड है कौन सी चीज प्रोवाइडेड नहीं है डी की वैल्यू है तुम्हारे पास 25 cm, F e की वैल्यू है तुम्हारे पास 3 ये वाली तुम्हारे पास पास ये वाली इसका अगर मैं की टर्म्स में बात करूं, तो मैग्नीट्यूड की टर्म्स में ये आ गया 1.25 सेंटीमीटर अब मैग्निफिकेशन निकालने के लिए तुम्हें सिर्फ यू नॉट चाहिए ना थिन लेंस फॉर्मूला लगाओ वन बाई एफ नॉट इज इक्वल टू वन बाई वी नॉट माइनस वन बाई यू नॉट वी नॉट निकाल रहे हो उसको एज इट इज रखो और सबको प्रॉपर साइन कन्वेंशन की फॉर्म में पुट कर दो तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन की फॉर्म में पुट कर दो तो यहाँ से वी नॉट आएगा ना एक बार जरा सा देखिए यहाँ से वी नॉट आएगा वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी थर्टी सेंटीमीटर फिर उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए मैग्रीफिकेशन आ जाएगा टू हंड्रेड ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पर ये है द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दैट कैन बी ऑप्टेन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी व्हाट सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो एक सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए है सो दिस इज ओनली व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये वाली वैल्यू हो जाती है डी डिवाइडेड बाई एफ प्लस वन तो ये वाली वैल्यू कितनी 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2.5 सेंटीमीटर प्लस वन विच यू 11 एज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दी ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ टेन ओवरऑल मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज हंड्रेड तो यहीं से तुम्हें पता लग रहा है मैग्निफिकेशन बाई द आई लेंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू टेन अब तुम्हें यहाँ पर ये बोला हुआ है इफ द इमेज इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम दी आई व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ द तो मैग्निफिकेशन आईलैंड इज बेसिकली मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय सिंपल माइक्रोस्कोप तो जब इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन के ऊपर ये वाली वैल्यू कितनी होती है डी डिवाइडेड बाई एफ ए प्लस वन खत्म

वैसे क्या होता है ये d डिवाइडेड बाय f प्लस वन so, तो तुम्हारे पास आया सिक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय f प्लस वन एफ की वैल्यू तुम लोग यहाँ पर यहाँ से अब निकाल सकते हो तो तुम देख पा रहे हो फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय f f की वैल्यू कितनी आ गई एफ की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास पांच सेंटीमीटर विच कैन आल्सो बी रिटर्न एज इक्वल टू जीरो मीटर्स खत्म बस ये है अगर तुम्हें इतना आता है एक भी क्वेश्चन तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं जाएगा सिर्फ इतना कंसेप्ट है ठीक है अब लास्ट में आ गया बच्चों हमारा टेलीस्कोप तो अगेन उतना ही डेरिवेशन में जाएंगे जितना बच्चों यहाँ पर रिक्वायर्ड है टेलीस्कोप क्या है एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं ठीक है मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा है हमारा ऑब्जेक्ट छोटा नहीं है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दूर है ठीक है और अब हम चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है जहां से बहुत ही कम लाइट रेस आ पा रही है उसकी हमें एक मैग्नीफाइड और शार्प इमेज दिखे दैट इज द रीजन अगेन यहाँ पर भी मैं दो लेंस लूंगी एक जो ऑब्जेक्ट के पास है एक जो आइस के पास है ऑब्जेक्ट के के पास जो है, lens, के पास जो जो है है इट इट इज इज ऑब्जेक्टिव लेंस लेंस आई आई बस मैंने अभी क्या करना है इस ऑब्जेक्टिव लेंस के अपर्चर को बड़ा रखना है क्यों ताकि मैक्सिमम लाइट रेस पार्टिसिपेट कर सके इन द इमेज फॉर्मेशन ताकि जो हमें इमेज मिले वो हमें शार्प इमेज बने या, या, मिले या फिर आई कैन से रिजोल्विंग पावर बढ़ जाए ठीक है तो ये जो अपर्चर है मैं लिखना चाहूंगी ऑब्जेक्टिव अप, लेंस का जो अपर्चर होता है वो लार्ज होता है ताकि अ शार्प इमेज कैन बी ठीक है ताकि मैक्सिमम लाइट रेस गैदर हो पाए फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और एक शार्प ब्राइट इमेज हम लोगों को मिल पाए और हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाए ठीक है इसलिए तुम देख पा रहे हो कितना बड़ा लेंस है तो अभी यहां से इस तरीके से ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आई तो ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा याद रखना ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा जो इमेज बनाएगा इट इज गोइंग टू बी रियल एंड इनवर्टेड क्योंकि इतना दूर ऑब्जेक्ट है ही तो बात है, एक कॉन्वेक्स लेंस सिर्फ तभी वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज बनाई तो तो अभी आईलेंस क्या करेगा अभी आईलेंस इसको मैग्नीफाई करेगा और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा तो ऑब्वियस बात है तुम देख पा रहे हो टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इट इज नॉट मैग्नीफाइंग जो ये ऑब्जेक्टिव uh, लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इमेज बनेगी बनेगी वो डिमिनिश्ड तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो लार्ज अपर्चर की थी इसने एक रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनाई अब यहाँ पर आई लेंस जिम्मेदारी लेगा और उसको वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज में कन्वर्ट कर देगा ठीक है अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर फॉर्मूला क्या आता है टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन का तो मान लो यहाँ पर uh,

थीटा ओ की बात करूं तो वो मेरे पास आ गया दिस डिवाइडेड बाय दिस जहां से मैग्निफिकेशन बनता है मेरे पास ये दिस गिव्स गिवे दी मैग्निफिकेशन ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी के ऊपर है तो इसने जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई है उसकी फोकल लेंथ के ऊपर बनाई है ठीक है तो जो मेरे पास थीटा आई बाई थीटा वो आ रहा है इट इज इक्वल टू ये वाला divided by ये वाला डिस्टेंस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये जिनको बाय द वे प्लस करने पे मुझे लेंथ ऑफ द पता लगेगा ठीक है एनी वे मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ द सॉरी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस फॉर द आईलैंड थिन लेंस फॉर्मूला मैंने यहां पर लगाया तो ये आ गया मेरे पास मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप तो अभी जो मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप आया है अगेन दो केसेस के लिए डिफाइन करेंगे एक तो जब इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बने इमेज अगर इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है इसका मतलब क्या ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी इन्फिनिटी के ऊपर था तो अभी इसकी जो इमेज बनी वो इसकी फोकल लेंथ के ऊपर आके बनी अब अगर आइलैंड्स भी इमेज इन्फिनेटी के ऊपर बना रहा है मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट लोकेटेड था वो भी इसकी फोकल लेंथ के ऊपर प्रेजेंट था तो तुम देख पा रहे हो ये वाले केस में द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू एफ ओ का मैग्नीट्यूड प्लस एफ ई का मैग्नीट्यूड ठीक है और मान लो अगर अगर तुम्हारे पास जो इमेज है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बनती है ये वाली वाली होगी कैपिटल डी ठीक है मैग्निफिकेशन आ गया इतना वो वाले केस में लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इज गोइंग टू बी इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आईलेंस बस इतना है अब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि क्वेश्चन सोल्व करना आ जाए तो बड़ा इजी टॉपिक है बट अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एटी टॉपिक्स तुम देख पा रहे हो ये है रिजोल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसके ऊपर वीडियो कितने बजे आएगी मैंने कितने बजे बोला था आई डोंट रिमेंबर पाँच बजे पाँच बजे इसके ऊपर वीडियो आएगी अभी हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस के भी गिवन है इट इज इक्वल टू टू हंड्रेड सेंटीमीटर दो मीटर गिवन था फोकल लेंथ ऑफ लेंस भी गिवन है विच इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द लेंस जो कि उल्टा केस होता है जब हम बात करते हैं किसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, की ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके की ए, ए, हम वैल्यूज देख पा रहे हैं सो फाइनल इमेज फॉर्म लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग पावर निकालो निकालो मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप का कितना आया देखो दिस वॉज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दॉमन लेके वन बाई एफ ई प्लस वन बाई वी तो अगर मेरे पास इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनी है तो ये मेरे पास आ गया ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई एफ ओ वन बाई

माइनस बेसिकली बच्चों तुम्हें यहाँ पर यह बता रहा है कि मेरे पास जो इमेज बनी है लाइक like मेरे पास जो फाइनल इमेज बनी है दैट इज रियल एंड इनवर्टेड समझो टेलीस्कोप का जो आइलेंस है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है क्योंकि उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है दैट इज द इमेज फॉर्मड ऑब्जेक्टिव लेंस लेकिन अगर मैं फाइनल टेलीस्कोप की बात करूं तो टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, है इसके जो इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो ये जो नेगेटिव साइन हम लोग शो करें इट इज ओनली टू शो दैट तो जनरली तुम्हें में पॉजिटिव नेगेटिव का ज्यादा पंगा नहीं पड़ता मैग्निफिकेशन का इन द केस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो लेकिन अगर ऑप्शन में नेगेटिव फोर्टी हो और पॉजिटिव फोर्टी हो ऑलवेज गो विद नेगेटिव फोर्टी अभी तक हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में भी वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्ट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन लेकिन अगर मान लो साइन कन्वेंशन भी पूछा जाए तो नेगेटिव लगा देना सबके इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अगर तुम मैग्फाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा तो मैग्निफाइंग पावर होती क्या है इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई मान लो अगर मेरी इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है तो अगर तुम्हें मैग्निफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप को इंक्रीज करना है तो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा कर दो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस को छोटा कर दो सो एफ ओ शुड बी लार्ज एंड एफ ई शुड बी स्मॉल नेक्स्ट मेरे पास ये है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फोकल लेंथ ऑफ बोथ दी इज 180 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर मतलब आई कैन से फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जो बड़ा है इट इज 180 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ मेरे पास 6 सेंटीमीटर है तो तुमसे पूछा हुआ है नॉर्मल एडजस्टमेंट में नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब जो मेरे पास इमेज है इन्फिनेटी के ऊपर बन रही है मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा इट इज एफ ओ बाई एफ ई गिविंग यू थर्टी आज दंसर ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट मतलब भी होता है इमेजेस फॉर्म डिटी तो नॉर्मल एडजस्टमेंट हो फॉर रिलैक्स आई हो एडजस्टेड फॉर पार्लल रेज हो सबका मतलब इमेजेस फॉर्म डॉट इन्फिनिटी मैग्निफिकेशन तुम्हें नाइन मिला है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आइलैंड लेंस है इट इज ट्वेंटी सेंटीमीटर तो आई नो ना कि जब भी इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी जब मैं दोनों की फोकल लेंथ को ऐड करूंगी तब मुझे ट्वेंटी सेंटीमीटर मिलेगा तो अभी दोनों लेंस की तुम्हें फोकल लेंथ बतानी तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल है देखो जब मेरे पास इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है मैग्निफिकेशन ये है तो आई हैव दिस इक्वेशन आई हैव दिस इक्वेशन आई हैव टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स दोनों की वैल्यू निकाली जा सकती है नेक्स्ट ये है कि अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस को हम लोग ज्यादा क्यों रखते हैं हम लोग उसको इसलिए ज्यादा रखते हैं ताकि हम लोग रिजोल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप को इंक्रीज़ कर पाए मतलब जो हमारे पास जो इमेज है बिल्कुल तीखी थीखी शार्प इमेज बने जो विच इज हाइली रिजोल्व इन नेचर ठीक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टेन फोल्ड मैग्निफिकेशन क्रिएट कर रहा है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस कितना होगा अगर मेरे पास लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप 44 सेंटीमीटर है सो आई एम गोइंग टू अज्यूम कि जो इमेज है इनफिनटी के ऊपर बनी है सो दिस इज बेसिकली लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इज 44 सेंटीमीटर विच इज बेसिकली एफ ओ प्लस एफ ई तो एफ ओ निकालो एफ ई -E निकालो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस बोला हुआ है तो इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी जिस फोकल लेंथ की वैल्यू हाई होगी दैट इज गोइंग टू बी द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ठीक है एंड दैट इज इट फॉर दिस सेशन आई एम होपिंग ऑल ऑफ यू लाइक दिस सेशन तो इसका जो क्लास का पीडीएफ है बच्चों तुम्हें टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा हैश टैग मिनी टू कम्प्लीट लिख दीजिए अगर तुमने ये सेशन की हेल्प से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मैग्निफिकेशन को कंप्लीट कर दिया दैट इज ऑल एवरी वन थैंक यू सो मच डू लाइक दिस वीडियो एंड आगे शेयर कर दो पी डी एफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर है पांच बजे रिजॉल्विंग पावर के ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगी थैंक यू